नई और पुरानी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम आशु मलिक है, मैं गोता हूँ पटियाला पंजाब से, और इस टाइम मैं खड़ा हूँ वर्धगढ़ पंजाब के अंदर, और ये भागड़ा मेन लाइन है जहाँ पे इस टाइम 42 फुट पानी चल रहा है। और इधर हम जाएंगे अभी कीरतपुर तक, और कीरतपुर से उसके बाद जाएंगे हम पटियाले तक, और पटियाले तक जाके इस वीडियो की एंडिंग करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहना, जो भी वीडियो के बीच में मिलेगा हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। आज नया इलाका, नई जगह और नया वीडियो है, तो चलिए दोस्तों अपने सफर को शुरू करते हैं। बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों ये है कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा, ये पंजाब के अंदर पड़ता है इंडिया में, और यहाँ दिन भर हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं जब यहाँ मेला लगता है, और वैसे भी यहाँ पब्लिक आती जाती रहती है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहना, आज की पूरी जानकारी दिखाएंगे, आज हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे गए। धन्यवाद। ये आ गया है दोस्तों बाल संडे का साइफन, ये देखो, और जिस टाइम बाल संडे वाली जाल के ऊपर जाल का ही उसी तरह का हिस्सा है, और अब मैं पहली तरफ जाऊँगा इसके। ये देखो वहाँ से ये बाल का नहर अंडरग्राउंड हो जाती है। तो ये है बाल संडा साइफन, और इसकी बैक साइड पे हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखते हैं कोई डेड बॉडी है या नहीं है, पूरी जानकारी हम आपको इसके बारे में देंगे। तो ये भागड़ा नहर है, उधर से देखो पानी अंदर चला जाता है, और यहाँ आके ये पानी इस साइड निकल रहा है, और उधर से ये पानी सारा आ रहा है। ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, यहाँ पे काफ़ी नारियल गुड़ा
पड़ा हुआ है कोयले वगैरह का, और ये जगह है। डेड बॉडी तो यहाँ पे दोस्तों कोई है नहीं, एक सिर्फ मरा हुआ जानवर पड़ा है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसका सफ़र हम जारी रखते हैं, बाकी बातें वीडियो के अंत में करेंगे। तो दोस्तों सफ़र हमारा बहुत लंबा हो गया, इस टाइम मरिंडे पहुंच चुके हैं, उधर से हम कीरतपुर भरतगढ़ आनंदपुर साहब से होते हुए देखते देखते नहर में आ रहे हैं। और ये वही जगह है जहां हमारे सन्नी गोताखोर था सिलेंडर वाले, इसकी डेड बॉडी मिली थी, यहां पे उसकी डेड बॉडी मिली थी। और अभी हमारा जो सफ़र है अभी और आगे है, देखते हैं अब हम कहाँ तक चलते हैं। जब तक सूरज निकल रहा है, लाइट है, चांदना है, जब तक हम देखते जाएंगे और वीडियो की एंडिंग आगे जाया करेंगे। तो चलिए हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं। ये पुल है रामगढ़ लठेरी, तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, हमें अपने वीडियो को यहाँ विराम देना पड़ रहा है। और इस टाइम खड़ा हूँ मैं फिरोजपुर वाली जाल पे, और ये ज़िला फतेहगढ़ साहिब के अंडर में आती है। और अब यहाँ मैं अपने वीडियो को विराम दे रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो का जो सफ़र है वो हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि ना सूरज डाउन होने लग गया है, अब हमें वापस भी जाना है, क्योंकि सफ़र हमारा अभी बहुत लंबा, पटियाल तक हमने पहुँचना है। और नहर पर अब हम देखते जाएंगे, जो वीडियो उसका विराम मैं यहाँ दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मालूम है कि वीडियो में कोई मज़ा नहीं आया है, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं मैंने आपको दिखाई जो देखने लायक हो, लेकिन एक सीख और एक समझ तो आपको आई होगी कि मैं ये चीज़ें जो नहरें किस तरह चल रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किस तरह जा रही हैं, वो जानकारी हम आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि रब ना करे कोई आपके साथ हादसा गुजर जाए, कोई चीज़ पता लगे कि भाई हमारा ये कोई आदमी रिश्तेदार है जो पंजाब घूमने गया था, नहरों के अंदर गिर गया, तो आपको पता होना चाहिए नहर कहाँ से निकलती है और कहाँ जा रही है। तो मैं वहाँ से देख लो पीछे से आ रहा है, ये नंगल भाखड़ा डैम से नहर आ रही है, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चार राज्यों को ये पानी दे रही है। और जो हम इस टाइम खड़े जिला फतेहगढ़ साहिब फिरोजपुर की जाल पे, तो वीडियो को विराम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब समय हमारा कम है। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसके बारे में अगली पूरी जो जानकारी है वो आगे रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम नंगल के बारे में बताएंगे, और कीरतपुर का हमने भी पूरा नहीं आपको दिखाया, SYL कहाँ पर ख़त्म हो रही है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रोन के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम इस बात करते हैं, कल फिर एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अलविदा।